ये जो कपिल शर्मा है उसने कहा है कि हम लोग प्रमोशन नहीं करेंगे फिल्म को, तो ये है ना गद्दार इंसान है। ऐसे कपिल शर्मा को जात से बेअकल करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, विवेक अग्रवाल को सैल्यूट करना चाहिए जो इतने दम से उन्होंने पिक्चर निकाली, प्रमोशन किया, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। और सलमान का निषेध निषेध निषेध। 35 साल के बाद कोई एक ऐसी पिक्चर बनी जिसने मेरे को रुला दिया। पिक्चर हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, और मैं तो बोलूंगा खून नहीं वो पानी है, आपके शरीर में देसी दारू है। तो आप ये मानते हैं कि हाँ, ये पिक्चर कपिल शर्मा जैसा दो कौड़ी का लुक्खा, मैं हिंदुस्तान के तमाम जनता से ये निवेदन कर रहा हूँ, ये आह्वान कर रहा हूँ कि कपिल शर्मा को रोड पे लाके खड़ा करने का उसका एक ही तरीका है कि कपिल शर्मा शो आप, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई नहीं देखना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त में खड़ा हूँ नाला सुपारा के सेंट्रल पार्क इलाके में, जहाँ पर भारत माता की जय के नारे हैं और सभी की जुबान पर द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने के बाद में ये जोश हुआ। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस पिक्चर में इन्हें क्या कुछ ठीक लगा, और आखिर उस फिल्म को देखने के बाद में क्या उनको ऐसा लगा कि हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय, और कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ उसकी जो दास्तान है उसकी पटकथा इनके मस्तिष्क में कैसे बनी। मनीष जी हमारे साथ उपस्थित हैं, ब्राह्मण सेना से लेकर तमाम बड़े पदों पर आश्रित और काम करते रहे। मनीष जी, क्या कहना है आपका द कश्मीर फाइल फिल्म निकलने के बाद संपूर्ण देश में एक अलग ही माहौल पैदा हो गया है, क्या कहेंगे आप इस फिल्म को देखें और क्या कहेंगे पिक्चर के बारे में? ये जो कपिल शर्मा है उसने कहा है कि हम लोग प्रमोशन नहीं करेंगे फिल्म को, तो ये है ना गद्दार इंसान है। ये कैसा सलमान खान का फंटर है, सलमान खान का, सलमान खान प्रोड्यूसर है कपिल शर्मा शो के, तो उन्होंने ऐसी बात करना बहुत ही गलत है। आज हिंदुस्तान में रहते हो, मैं हर हिंदुस्तान मुसलमान को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप हर मुसलमान ये पिक्चर देखो, कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उस टाइम वो पिक्चर में आज दिखाया है। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी ने रियल अच्छा काम किया है, ये पिक्चर को शो करके जो रियलिटी है कश्मीर की ये पिक्चर के माध्यम से दिखाई दे रही है। मैं ब्राह्मण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं तमाम ब्राह्मण लोगों को कहना चाहता हूँ ऐसे कपिल शर्मा को जात से बेअकल करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, और मैं जाहिर निषेध करता हूँ कपिल शर्मा और उसके शो का। और सलमान खान को भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में पैसे कमाते हो, तो ये पिक्चर आप प्रमोशन करो कपिल शो में, मैं सलमान खान को भी कहना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं चेतावनी थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है आपका जिस तरह से कश्मीर फाइल मूवी आई है इसमें सर, कि जो हिंदू का हकीकत था, जो कश्मीरी पंडित का जो हकीकत था, वो जो है पूरे देश में खुल के आ गया। इसमें काफ़ी लोग इसको छुपाना चाहें, लेकिन ये छुपा नहीं, मोदी जी का जो महानता समझो कि ये जो पूरे देश के सामने जो ला के रख दिए। विवेक अग्निहोत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से निकल कर बाहर आया है? मैं अजीत सिंह रघुवंशी, पालघर जिला उपाध्यक्ष कंडी सेना। मैं कपिल शर्मा को चेतावनी देना चाहता हूँ, कपिल शर्मा सुधर जाओ, नहीं तो हमारी कंडी सेना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी। अगर प्रमोशन नहीं किए तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बड़ा हीरो इसमें नहीं था, कोई लीडर, इस वजह से इन्होंने प्रमोशन नहीं किया। ऐसा जो भी था, लेकिन ये हिंदुस्तान की पिक्चर है, हिंदू लोगों की पिक्चर है, उसको उनको प्रमोशन देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं चेतावनी ये भी थी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से यहाँ पर बातें आ रही है, तो कपिल शर्मा के प्रति एक अलग ही आक्रोश है। क्या कहना है, द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हो चुकी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दुर्भाग्यपूर्ण है कपिल शर्मा का, जो किसी के दबाव में आके इसका प्रमोशन रोक दिए, और जनता जानती है। लेकिन वो आज रुकी नहीं, आज पूरे देश में ट्रेंडिंग में है, नंबर ट्रेंडिंग में है, उसका जवाब जनता देगी, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये हर हर यहाँ पर ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश जी, ब्रजेश क्या कहना है आपका द कश्मीर फाइल मूवी पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह का माहौल है, एक जोश जुनून उमंग और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी बातें सामने आ रही, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जो ये पिक्चर के डायरेक्टर है उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो हिंदू भाइयों या कश्मीरी पंडितों के साथ
जो 19 जनवरी 1990 में हुआ था वो सच्चाई हमारे सामने लाई। अगर इतना अच्छा काम वो नहीं करते तो शायद अभी तक हमें ये सच्चाई पता ही नहीं चलती। उसके बाद मैं अपने राष्ट्र की मोदी सरकार को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी ये पिक्चर को लाने के लिए प्रस्ताव पास किया। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसी अगर पिक्चर नहीं आती तो अभी तक कश्मीरी पंडित जो इतने बोलते थे कि हमारे साथ ये हुआ था वो हुआ था, वो सच्चाई हमें मालूम पड़ती थी। तो मेरे माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कपिल शर्मा भी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, भारतीय है, उन्होंने अपना नाम पहचान महाराष्ट्र में और अपने भारत में रह के एक गर्व हिंदुस्तानी का फर्ज अदा करे, एक हिंदुस्तानी पिक्चर को अपना साथ दे। आप क्या कहेंगे बाबू भाई, आपका क्या कहना है इस पूरी पिक्चर में, कैसी मूवी लगी और क्या कहेंगे? मी तो का पिक्चर बघितला ना है, पण सगळ्यांच्या बोलण्यावरना असं मला समजत येतं आहे की जे कश्मीरी पंडितवरती जे अत्याचार झाले आहेत ते बरोबर नाही झाले आहेत, तर त्याच्यासाठी हा पिक्चर दाखवल्यामुळे हे सगळ्यांना इकडे माहिती पडलं पाहिजे। आणि कपिल शर्मानी जे वक्तव्य दिलं आहे ते चुकीचं आहे, तो भारतीय आहे तर त्यांनी भारताचा पिक्चर आणि हिंदुत्व हिंदू लोकांचा पिक्चर हा त्यांनी प्रमोट केलाच पाहिजे, मी त्याचा निषेध करतो। यहाँ पर हर प्रकार से निषेध जारी है, कहीं ना कहीं आक्रोश सिर्फ इसलिए है कि वो फिल्म भारत की आत्मा से जुड़ी हुई थी, उसे दिखाना, उसे प्रमोशन करना निश्चित रूप से होना चाहिए था। क्या कहना है आपका, एक महिला के रूप में अगर आप देखती हैं फिल्म तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं महिला सशक्तिकरण पार्टी की महासचिव हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी, अगर इस तरह से कपिल शर्मा मना कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो दुख है वो मोदी जी ने भी अगर दिखा दिया है उस मूवी में तो हमें तो वो देखना और वो शो करना ये जरूरी है। विवेक अग्निहोत्री के लिए क्या कहेंगी फिल्म के डायरेक्टर? विवेक अग्निहोत्री के लिए अब कहना बोले तो सैल्यूट करना चाहिए, विवेक अग्निहोत्री को सैल्यूट करना चाहिए जो इतने दम से उन्होंने पिक्चर निकाली, प्रमोशन किया, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, और सलमान खान निषेध निषेध निषेध। पिक्चर हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, और मैं तो बोलूंगा खून नहीं वो पानी है। अगर आप इस पिक्चर देख कर नहीं दौड़े तो खून नहीं वो पानी है, आपके शरीर में देसी दारू आए। मतलब आप ये मानते हैं कि ये पिक्चर कपिल शर्मा जैसा दो कौड़ी का लुक्खा, मैं हिंदुस्तान के तमाम जनता से ये निवेदन कर रहा हूँ, ये आह्वान कर रहा हूँ कि कपिल शर्मा को रोड पे लाके खड़ा करने का उसका एक ही तरीका है कि कपिल शर्मा शो आप, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई नहीं देखना चाहिए। इस पिक्चर ये कपिल शर्मा शो को बैन करना चाहिए, ये शो को देखना बंद कर दीजिए। कहीं यहाँ पर लोगों में आक्रोश है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया उसमें द कश्मीर फाइल मूवी ये भारत की आत्मा को दर्शाती है, एकता को दर्शाती है, और कहीं ना कहीं जहाँ जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसको दिखाती है। उसे एकत्र रखने के लिए इस पिक्चर को प्रमोशन कपिल शर्मा को करना चाहिए था, ये भी बताया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में द कश्मीर फाइल मूवी क्या कुछ कीर्तिमान स्थापित करती है। एंटी करप्शन न्यूज़ के सचिन दीक्षित, नाला सोपा।